आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, वो लाइफ में रिस्क उठाने से डरते नहीं है और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। क्योंकि आप जब ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो आप मर जाओगे। ऐसे काउंटर स्ट्राइक और ये सब जो गेम होते हैं, पबजी उनमें यही होता है। अगर आप लोगों ने क्विक डिसीजन नहीं लिए, इधर जाना है कि उधर जाना है, किधर जाऊं, क्विक डिसीजन नहीं लिए, किसको मारूं, कैसे मारूं, तो आप लोग है ना तुरंत क्या हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे। सो ऐसे केस में आप लोग है ना, वो लोग जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, बेसिकली उनको बहुत ज्यादा लाइफ में ना, एक तो रिस्क लेने में डर नहीं लगता, और दूसरा वो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ में ना, तो वो बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं। एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये, अगर आप बहुत ज्यादा खेलते हो तो वो आपके लिए दिक्कत वाली बात है ही। मतलब वो जो ये जो पबजी गेम या जो गेम्स होते हैं, वो इतने क्विक रिस्पॉन्सेज वाले होते हैं कि आपको तुरंत पलक झपकते डिसीजन लेना होता है। आपने कभी गौर किया, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो ना ये भी भापने लग जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, उसका भी क्या करते हैं, अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो लोग जब भी ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं तो आगे क्या होने वाला है या मेरे साथ क्या हो सकता है, वो उसका अनुमान पहले से लगाना शुरू कर देते हैं और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। विजुअलाइजेशन, दैट इज रियली अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन गेमिंग।